कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के अगले दिन कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सेमिनार हॉल में लगे कमरों के रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था। यह बात सीबीआई की जांच में सामने आई है। ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल में ही मिला था। सीबीआई को ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनमें इस बात की पुष्टि हुई है कि संदीप घोष ने 10 अगस्त को लेटर लिखकर स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को सेमिनार हॉल से लगे कमरे और टॉयलेट का रेनोवेशन करने को कहा था। इस परमिशन लेटर पर घोष के साइन भी हैं। बहुत बड़ा सबूत हाथ में आया है, सीबीआई के हाथ में बहुत बड़ा सबूत लगा है और संदीप घोष के बचने की संभावना बहुत ही कम है। सूत्रों के मुताबिक पहले यह समझा जा रहा था कि पीडब्ल्यूडी को रेनोवेशन का काम शुरू करने का निर्देश आरजी कर मेडिकल कॉलेज के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने दिया था, लेकिन परमिशन लेटर मिलने के बाद ये साफ हो गया है कि घोष को रेनोवेशन कराने की जल्दी थी। इन्वेस्टिगेशन कर रहे अधिकारियों का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट से ये साफ हो रहा है कि घोष को रेनोवेशन कराने की जल्दी थी, लिहाजा ये डॉक्यूमेंट रेप मर्डर केस और आरजी कर कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी के केस के बीच की कड़ी जोड़ने में मदद करता है। 13 अगस्त की शाम को जब कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सीबीआई को यह केस हैंडओवर किया था, उसके कुछ ही घंटों बाद पीडब्ल्यूडी स्टाफ ने सेमिनार हॉल से लगे कमरे का रेनोवेशन शुरू कर दिया था। हालांकि कॉलेज स्टूडेंट्स ने इस केस को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते रेनोवेशन के काम को वहीं रोक दिया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे पश्चिम बंगाल की मेडिकल फ्रेटर्निटी के सदस्यों का कहना है, आरजी कर कॉलेज अकेला कॉलेज नहीं है जहां रेप और मर्डर किए जा रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर को इसलिए मारा गया क्योंकि उसे कॉलेज की वित्तीय गड़बड़ियों के बारे में पता चल गया था। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को आरजी कर रेप हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इस बीच 2 सितंबर को सीबीआई ने संदीप घोष को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया। 3 सितंबर को घोष को अलीपुर जजेस कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे और 3 अन्य लोगों को 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया था। 4 सितंबर को संदीप घोष ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर 6 सितंबर को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष को कोई भी राहत देने से साफ मना कर दिया है। संदीप घोष पर शिकंजा कसता जा रहा है और संदीप घोष ही प्रथम दृष्टया ऐसे कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं, जैसे कि एक सिम की बात कही जा रही। सूत्रों के मुताबिक एक ऐसा विदेशी नंबर का सिम था जिसके द्वारा संदीप घोष के अलग अलग अधिकारियों को, उनके संपर्क में रहने वाले लोगों को फ़ोन किया गया था। सीबीआई को उस सिम का नंबर पता चला और सीबीआई ने केंद्रीय मंत्रालय को वो सिम का नंबर, सिम के बारे में जानकारी प्रदान की है और सरकार से कहा है कि इसके बारे में पता लगाइए कि ये नंबर किसके नाम रजिस्टर्ड है और उससे बात किसने की। बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संदीप घोष पर शिकंजा कसता जा रहा है और संदीप घोष, ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में हो सकता है कि संदीप घोष का कुछ न कुछ हाथ रहा हो। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर। उनका कहना है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर जो है वहां की जो पुलिस थी उन लोगों ने पैसे ऑफर किए थे। पीड़िता के पिता ने कहा, पुलिस शुरुआत से ही इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने तक हमें पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। बाद में जब बेटी का शव हमें सौंपा गया तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की पेशकश की। पीड़िता के पिता का कहना है, जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ 300 से 400 पुलिस वालों ने हमें घेर रखा था, लेकिन अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वहां एक भी पुलिस वाला नहीं दिखा। परिवार क्या करेगा, कैसे घर जाएगा, पुलिस ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। जब घर में बेटी का शव माता पिता के सामने पड़ा था और हम आंसू बहा रहे थे, तब पुलिस पैसे दे रही थी। क्या यही पुलिस की मानवता है? पुलिस कह रही है कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर दी हैं, क्या इसे ही जिम्मेदारी निभाना कहते हैं? ये सवाल है पीड़िता के पिता के। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। उन्होंने मांग की है, वर्तमान में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को दिए गए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक को वापस ले लें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के बारे में सोशल मीडिया पर की जा रही घिनौनी पोस्ट पर 18 सितंबर तक सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा है, पीड़िता की तस्वीर के साथ ऐसी घिनौनी टिप्पणियां की गई हैं जो समाज के किसी भी सदस्य को स्वीकार नहीं है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं से छेड़छाड़, सबसे जो
चौंकाने वाली बात निकल के आ रही है कि महिलाएं रेप केस का विरोध करने के लिए रात में निकल रही हैं, और जो महिलाएं प्रदर्शन करने जा रही हैं उन्हीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल में हजारों महिलाओं ने बुधवार रात प्रदर्शन किया, इसे रिक्लेम द नाइट नाम दिया गया। हालांकि इस दौरान दो जगह प्रदर्शन कर रही महिलाओं से छेड़छाड़ हुई। पहली घटना कोलकाता के जादवपुर की है, जहाँ एक बस स्टैंड पर एक व्यक्ति ने महिला के साथ गलत हरकत की। वहीं दूसरी घटना साउथ कोलकाता के गरिया इलाके की है। यहाँ नशे की हालत में एक शख्स ने कई महिलाओं से दुर्व्यवहार किया। दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया।